गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सोशलिज्म बाय द कार्ल मार्क्स इन द यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग। तो जो हमारी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ द पेपर टू। पेपर वन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 63 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज अ वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें आपको काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप फ्री PDF मटेरियल में या फिर आप वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम का ये नंबर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ द मार्क्स कंसेप्ट ऑफ द सोशलिज्म। सो इफ वी टॉक अबाउट द सोशलिज्म, जो हम अभी जो यूनिट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, और ये जो हमारी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग होती है। तो सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या, उसके फीचर्स, उसको हम किस तरीके से फॉलो करते हैं इंडिया में। फिर सेकंड हमने देखा अबाउट द फेडरलिज्म, जो फेडरल फीचर्स हैं, फेडरेशन है, वो होता है एक पॉलिटिकल आपका सिस्टम। फिर आपका आता है सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। तो ये जो आपका सोशलिज्म या कम्युनिज्म आपका एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो आपका काम करता है, तो ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ऑल्दो अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम और ये मार्केट फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। इट मींस कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है। ठीक है, तो सोशलिज्म बेसिकली जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो, कि आप किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रिफर किया और ना ही उसने जो है कम्प्लीटली सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी को प्रिफर किया, जबकि इंडिया ने जो है एक बीच का रास्ता निकाला जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया ने जिस चीज़ को अपनाया हमारी इकोनॉमी में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उनको किस तरीके से लोगों के बीच में बांटना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेसिकली इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब ये है कि हर एक कंट्री के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एवरी कंट्री इज़ एंडाउड विद द रिसोर्सेज, और फिर हमारी कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं जब लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इफ़ देर आर मासेस इन द कंट्री तो काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी सारी नेसेसिटीज़ हैं। ठीक है, फिर उन नेसेसिटीज़ को, इन रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीट करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनकी मदद से। ठीक है, और फिर वो जो प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोसाइटी में, लोगों में। ठीक है, एज़ पर द नीड, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द मार्केट फोर्सेज एक्सेट्रा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके उनसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना और फिर उनको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे हैं, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बनाने के लिए, या फिर आप उसको किस किस के किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको, इस पूरे सिस्टम को फंक्शन करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। जो मेन पहले दो ऑप्शंस थे वो दो होते थे। पहला था कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट हम उसे कहते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस काम करता है, यानी कि जो है, जो आपके मार्केट प्लेयर्स हैं, जो आपके कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना मार्केट में उनको रिलीज करना है, किस तरीके से। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने अंडर में लेकर के आना, प्रोड्यूस करना और इस तरीके से इस दाम पे सोसाइटी में किसी चीज़ को बेचना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और अगर उनके किसी ऐसे बिजनेस में या फिर किसी ऐसे चीज़ के प्रोडक्शन में उनको प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर वो उस चीज़ का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आफ्टर 1950s जो एक एरा स्टार्ट हुआ, जब हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के सिस्टम में भी आता है। तो वहाँ पे ये चीज़ देखिए कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जो सोशल सेक्टर्स वगैरह हैं, उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि सब कुछ जो है वो हम सिर्फ मार्केट प्लेयर्स के ऊपर या फिर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है किसी चीज़ का वो सिर्फ प्रॉफिट होता है, ना कि सोशल बेनिफिट। तो वो सोशल बेनिफिट पर कम ध्यान देंगे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो
अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. लेकिन जब हम सोशल सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, पुलिसिंग हुआ, डिफेंस हुआ, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को पूरा रोल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है लोगों की ओवरऑल हेल्थ और बेनिफिट के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना भी एक रोल प्ले करती है. ठीक है, तो इंडिया ने इसीलिए एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जहाँ पे कम्प्लीटली सोशलिस्ट को नहीं अडॉप्ट किया. सोशलिस्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो सोसाइटी के हाथ में हो और सोसाइटी ही ये बात डिसाइड करे. यानी कि जो कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसका ठीक उल्टा सोशलिस्ट में, कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो पूरे के पूरे स्टेट के अंडर में होंगे, लोगों के अंडर में होंगे, और लोग ही ये डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि सोसाइटी में एक इक्वालिटी बनी रहे, इक्वालिटी मेंटेन हो सके. ठीक है, तो ये जो कम्युनिज्म है, जो सोशलिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है, ये आपकी स्टार्ट हुई थी बाय द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म का ये जो आपका एक थ्योरी है इसको दी थी, और जिसे कम्युनिज्म भी कहा जाता है. तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं जिसके दो टर्म्स हैं, या तो कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म. अब अगर हम कैपिटलिस्ट की बात देखते हैं, तो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको यूएसए में दिखेगा. ठीक है, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको रशिया और चाइना में दिखेगा कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म. और मिक्स इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं, तो मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल आपका इंडिया होगा, जिसने दोनों के ही कुछ कुछ फैक्टर्स को लेकर के रखा है, कि जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है. और जो सेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं हमारी कंट्री के लिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, उसमें गवर्नमेंट ही सारे फैसले लेती है. और ऐसा नहीं है कि अगर उसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो वो उसे बंद कर दें. ठीक है, तो ये हमारे तीन फैक्टर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो इसी सोशलिस्ट से हमारा जो सोशलिज्म का है वो हमारा आज का टॉपिक है, विच वॉज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स. ओके, नाउ द मार्क्स कंसेप्ट ऑफ द सोशलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैन. कि ये जो मार्क्स का कंसेप्ट था सोशलिज्म का, वो एक्चुअली डिराइव हुआ था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैन. फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैन का कहने का मतलब ये है, ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ मैन. ठीक है, कि वो बिलीव करते थे दैट ऑल मैन आर इक्वल. और ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के हाथ में सारे पावर्स होते हैं और कुछ लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पावर्स नहीं होते, या फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बिता देते हैं. उनके ना कोई शौक होते हैं, ना कोई टैलेंट्स होते हैं, ना वो अपने पोटेंशियल को ठीक से इस्तेमाल कर पाते. क्यों? बिकॉज वो अपनी सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वही पूरी करते रहते हैं. तो इस तरीके से जो है मार्क्स ने सोसाइटी को देखा, हिस्ट्री को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने अपनी ये थ्योरी सोशलिज्म निकाली. ठीक है, नाउ द मार्क्सिज्म इज एन एनालिटिकल मेथड दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कैपिटलिज्म. सो बेसिकली मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म इज एन एनालिटिकल मेथड दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म. तो मार्क्स ने जो अपना ये सोशलिज्म का कंसेप्ट निकाला था, वो निकाला था जो कैपिटलिज्म है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए, दैट हाउ ही कैन मेक पीपल हेल्प अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कैपिटलिज्म. कि कैपिटलिज्म किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से कैपिटलिज्म के काम करने की वजह से जो एक लार्ज मासेस ऑफ पीपल हैं उनको नुकसान होता है. ठीक है, नाउ विद इन हिज वर्क्स ही एनविजन सोशलिज्म. और जब वो कैपिटलिज्म को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, तब उनको सोशलिज्म का ये आइडिया एनविजन हुआ. देन ही केम टू नो कि हम इसका जो कंट्रास्ट है, जो कैपिटलिज्म से अलग है, हम उस सोशलिज्म मोड ऑफ सोसाइटी को, उस सोशलिज्म को भी हम इवॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर कैपिटलिज्म इसी तरीके से चलता रहा तो फिर सोशलिज्म अपने आप इवॉल्व हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्शन ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, नो मार्क्सिज्म बेसिकली पॉइंट्स आउट दैट द मेन एंटागोनिज्म थ्रू आउट द हिस्ट्री बिटवीन दोज हु प्रोड्यूस एंड दोज हु ओन एंड डिस्ट्रीब्यूट. तो मार्क्सिज्म ने जो है वो बेसिकली उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, द मेन एंटागोनिज्म, यानी कि जो बेसिक एक लड़ाई का, झगड़े का जो वजह था लोगों के बीच में, वो क्या था. ठीक है, सो मार्क्स ने जब हिस्ट्री को पढ़ा, ही वॉज अ जर्मन, और उन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ वगैरह भी की थी अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे. सो व्हेन ही वॉज गोइंग थ्रू द हिस्ट्री, सो ही केम ऑन दिस कंक्लूजन कि अब तक हिस्ट्री में जितने भी स्ट्रगल्स होते आए हैं, ठीक है, तो उनके जो स्ट्रगल के बीच में जो एक रीज़न था,
throughout the history जो रहा है वो दो ही चीज़ों के बीच में रहा है, क्या है कि between those who produce and those who own and distribute, कि उन दो लोगों के बीच में हमेशा mostly struggle रहा है कि जो resources को चीज़ों को पैदा करते हैं, जो produce करते हैं, और दूसरे वो जो उसे own करते हैं उसको distribute करते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है आपका capitalism का जो है एक notion आता है, ठीक है, कि capitalism में क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, एक तो वर्कर्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो उस पूरी फैक्ट्री को, उस पूरी यूनिट को ओन करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कितना माल कहाँ पे कब बेचा जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गई, एक वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक वो जो ओन करते हैं उस पूरे यूनिट को और वही डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइन। सो ये आपका कैपिटलिज्म था। तो उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री में जब ये देखा गया तो बेसिक रीजन ऑफ द स्ट्रगल जो है, ठीक है, तो वो उन्हीं दो लोगों के बीच में हुआ है कि जो प्रोड्यूस करते हैं और जो ओन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ इन कैपिटलिज्म यू हैव बर्जुआज हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर ओन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोलेटेरियट हु ओनली हैव द लेबर टू डिस्ट्रीब्यूट टू द बर्जुआज, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या होता है, कैपिटलिज्म में वन साइड पे होते हैं बर्जुआज। तो बर्जुआज हम किसे कहते हैं, बर्जुआज आर दोज पीपल जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो उसको ओन करते हैं, ठीक है। तो जिनके पास सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके अंडर में होता है, जिनके कंट्रोल में होता है, जो उसके मालिक होते हैं, उन्हें हम बर्जुआज कहते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि क्या और कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं प्रोलेटेरियट। प्रोलेटेरियट हम उन लोगों को कहते हैं जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रोलेटेरियट। हु ओनली हैव देयर लेबर टू डिस्ट्रीब्यूट टू द बर्जुआज, और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत है, अपना लेबर है बर्जुआज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो बर्जुआज बेसिकली कौन है, बर्जुआज बेसिकली वो मालिक हैं जो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस होगा और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और प्रोलेटेरियट क्लास वो वर्किंग क्लास हो गई, वो क्लास हो गई जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपना लेबर है काम करने के लिए, दे डू नॉट ओन एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। नाउ दिस लीड्स टू द एंटागोनिज्म एज बर्जुआज ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय डिक्रीजिंग द वेजेस ऑफ द प्रोलेटेरियट। और ये जो आपकी वजह है, ठीक है, वो एक लड़ाई की, एक एंटागोनिज्म, एक लड़ाई की वजह बनती है। किस लिए, बर्जुआज और प्रोलेटेरियट के बीच में, क्योंकि जो बर्जुआज है फिर वो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर, सो जो बर्जुआज होते हैं वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। हाउ दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, बाय रिड्यूसिंग द लेबर ऑफ द प्रोलेटेरियट। तो जो बर्जुआज बेसिकली होते हैं वो जब जो उनकी वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरियट जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उनके जब वेजेस को भी डिक्रीज करना चाहेंगे कि उनके वेजेस को और डिक्रीज कर देंगे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके, तो ये एक लड़ाई की, एक स्ट्रगल की वजह बन जाएगी बिटवीन द प्रोलेटेरियट एंड द बर्जुआज, एंड हेंस इट विल लीड टू अ मेजर स्ट्रगल, ठीक है। फिर ए मार्क्सिस्ट एडवोकेट फॉर अ सिस्टम इन विच प्रोलेटेरियट फोर्सफुली ओवरथ्रो द बर्जुआज बाय टेकिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और क्यों, क्योंकि एक एंटागोनिज्म, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि एक तो जो प्रोलेटेरियट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनके पास वैसे भी ज़्यादा कुछ साधन नहीं है, वही मेहनत करते हैं, वही सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास कोई मतलब मालिकाना हक तो है नहीं, और जो बर्जुआज है उनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे ओन एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रगल, एक लड़ाई की वजह बनेगी कि बर्जुआज वो अपने प्रॉफिट को, अपने फायदे को और ज़्यादा बढ़ाते रहने की कोशिश करेंगे और जो प्रोलेटेरियट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, उनके वेजेस को कम कर देंगे, तो इसकी वजह से एक स्ट्रगल पैदा होगा। उस स्ट्रगल की वजह से क्या होगा कि मार्क्स ने एक एडवोकेट किया एक ऐसे सिस्टम को जिसमें जो प्रोलेटेरियट है, जो वर्किंग क्लास है, वो बर्जुआज को फोर्सफुली उखाड़ फेंकेंगे, उनको ओवरथ्रो कर देंगे बाय टेकिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय देमसेल्व्स, कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंट्रोल वो अपने अंडर में ले लेंगे, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट व्हाट दे प्रोड्यूस इन अ मोर इक्विटेबल वे, ताकि उन्होंने जो कुछ भी प्रोडक्शन किया है, ताकि वो जो अपनी मेहनत से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट वो कर सकें, ठीक है, एंड टू एंड द एंटागोनिज्म बिटवीन द बर्जुआज एंड प्रोलेटेरियट। और इस तरीके से जो एक स्ट्रगल होगा बर्जुआज और प्रोलेटेरियट के बीच में वो भी एंड हो जाएगा, एंड द वर्कर्स वुड ओन व्हाट दे प्रोड्यूस, और जो वर्कर्स हैं वो वही ओन करेंगे जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दिस इज सोशलिज्म। तो इन अ नटशेल अगर आपको बताया जाए कि व्हाट इज सोशलिज्म, तो सोशलिज्म का मतलब ये है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में दो क्लास ऑफ पीपल हैं, ठीक है,
एक है बर्जुआस जो हु ओन्स ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, और दूसरे हमारा प्रोलेटेरियट आता है। प्रोलेटेरियट जो हमारा है वो हर चीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो गरीबी में जीता है एंड ही डज नॉट नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट। और जो बर्जुआज हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है, उनको अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी देखते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का वो इक्विटेबल मैनर में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्रोलेटेरियट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो उतने ही एक्सप्लॉयटेड और गरीब रह जाते हैं, और जो बर्जुआज हैं वो और ज़्यादा अमीर और पावरफुल होते चले जाते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से, इस एक क्लास डिवीजन, एक क्लास डिफरेंस की वजह से जब एक स्ट्रगल पैदा होता है, तो स्ट्रगल के लिए कार्ल मार्क्स ने एडवोकेट किया है कि यहाँ तक की सिचुएशन पैदा हो जानी चाहिए कि जो आपकी वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरियट आपके हैं, उनको एकदम रिवोल्ट कर देना चाहिए बर्जुआज के अगेंस्ट में, और जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, ताकि अपने कंट्रोल में लेने के बाद में वो उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, और ताकि वो लोग जो वाकई में मेहनत करते हैं, जो लेबर क्लास है, जो जिस चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उस चीज़ का हक मिल सके, ठीक है। और इस तरीके से बर्जुआज और प्रोलेटेरियट के बीच का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड दिस इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी कुछ भी आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका एक इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि एक क्लास डिवीजन ना हो कि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर उसकी क्लास में जो है उसके स्टेटस में कोई अपलिफ्टमेंट आ ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बिगर क्लासेस, ठीक है। यानी कि अमीरों की वजह से अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो ढंग से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सोशलिज्म एक जो सिस्टम है, एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको लाना चाहिए, बिकॉज सोशलिज्म की मदद से जो स्टेट है ही शुड कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज, प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी रिसोर्सेज की, प्राइवेट लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बल्कि जो इंटायर सोसाइटी है आपकी, ठीक है, वो डिसाइड करेगी और उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि ऐसा ना हो कि कैपिटलिस्ट की तरह जो प्राइवेट ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाए और जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड रह जाए, ठीक है। नाउ सोशलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट कॉल्स फॉर द पब्लिक रादर देन प्राइवेट ओनरशिप और द कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सोशलिज्म बेसिकली क्या कहते हैं, सोशलिज्म ये कहता है कि जितने भी सोशल और इकोनॉमिक चीज़ें हैं वो पब्लिक के लिए होना चाहिए रादर देन प्राइवेट ओनरशिप, उसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, उसकी ओनरशिप भी किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास में होनी चाहिए, सोसाइटी के पास में होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट व्यू द इंडिविजुअल्स डू नॉट लिव और वर्क इन आइसोलेशन बट लिव इन कोऑपरेशन विद वन अनदर, कि सोशलिस्ट व्यू के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री, अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और आप उसके मालिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपने अकेले प्रोड्यूस की है, बल्कि वो एक पूरा एक कोऑपरेटिव तरीका है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर है, जिसमें सब ने कुछ ना कुछ अपना जो है वो एफर्ट डाला है, एफर्ट दिया है, ठीक है। तो एक बहुत ही, हम कहेंगे जब हर आदमी अपना एफर्ट पूल करता है तो उसके बाद एक चीज़ आती है, तो यहाँ पे ये है कि दे लिव इन कोऑपरेशन, एक आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है, सब मिल करके काम करते हैं, सबका एफर्ट उसमें होता है, इसलिए जो भी चीज़ बनती है या फिर जो भी आउटपुट आता है उसमें उन सबका अधिकार होगा जिन्होंने उसको बनाने में अपना रोल प्ले किया है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है सोसाइटी में जो बन रही है, उसमें जितने लोगों का उसमें एफर्ट लग रहा है, जितने लोग उसको बनाने में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उन सबका उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि उसके मालिक का अधिकार होता है। सोशलिज्म के हिसाब से ये है, इसलिए उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इक्वली होना चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि जो ओनर है उसके पास सारा प्रॉफिट होना चाहिए और जो वर्किंग क्लास है उसको सिर्फ और सिर्फ लेबर मिलना चाहिए, ठीक है। Now everything that people produce is a social product and everyone who contributes to the production of a good is entitled to a share in it. तो यही कहा गया है कि हर वो इंसान जो उस प्रोड्यूस को जो हर वो इंसान जो उस चीज़ को प्रोडक्ट को जो है पैदा करने में उसको बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है वो उन सबका वो होता है वो जो प्रोडक्ट है होता है इट इज़ पब्लिक द प्रोडक्ट जो होता है इट बिकम्स पब्लिक वो एक प्राइवेट एंटिटी नहीं रह जाता है उस पर हर उस इंसान का अधिकार होता है जिसने उसको बनाने में अपना रोल प्ले किया है ठीक है तो इसीलिए उन सबको उसका जो शेयर है दे शुड बी एंटाइटल्ड टू इट्स शेयर ठीक है
फिर अ सोसाइटी एज अ होल शुड ओन और एटलीस्ट कंट्रोल द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स. इसलिए सोसाइटी को एज अ होल जो है उन सारे के सारे रिसोर्सेज को ओन करना चाहिए और एटलीस्ट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहिए इस तरीके से कि ताकि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उन सबका बेनिफिट हो सके. ठीक है, तो ये आपका सोशलिज्म क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहिए, ओन करना चाहिए, ताकि जब भी कोई एक चीज़ कोई प्रोड्यूस जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उसको बनाने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ होता है, वो किसी इंडिविजुअल की मदद से नहीं बनता है. ठीक है, इसलिए उस प्रोडक्ट पे सबका हक है, वो एक सोसाइटल, वो एक सोशल प्रोडक्ट है, कोई एक इंडिविजुअल इंसान का वो प्रोडक्ट नहीं कहलाया जाएगा. इसीलिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज हो कि सोसाइटी के जितने लोग हैं उन सबको उसका फायदा मिल सके, एंड दिस इज सोशलिज्म. ओके, नाउ द कन्विक्शन पुट्स द सोशलिज्म इन ऑपोजिट टू कैपिटलिज्म. तो ये जो आपका कन्विक्शन है इसे सोशलिज्म को जो है कैपिटलिज्म के एकदम ऑपोजिट ला करके खड़ा कर दिया. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप. जो हमारी कैपिटलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, वो प्राइवेट ओनरशिप पे बेस्ड है ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अलाउज द इंडिविजुअल चॉइसेस इन अ फ्री मार्केट टू डिटरमाइन हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है और जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब और कितना प्रोड्यूस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो उनका बेसिक मोटिव होता है. ठीक है, एंड सोशलिस्ट कंप्लेन दैट कैपिटलिज्म नेसेसरी लीड्स टू अनफेयर एंड एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ रिलेटिव फ्यू. और सोशलिस्ट का ये कहना है कि कंप्लेन है उन लोगों की जो कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब जो सारे के सारे रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा कर बैठते हैं एंड हु डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस व्हेन टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट पावर्स, जो कंपटीशन का भी फायदा उठाते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बिलीव करते हैं, तो इनका ये कहना है कि इसकी वजह से जो काफ़ी अनफेयर और एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर आ जाती है, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही हद से ज़्यादा वेल्थ और पावर आ जाती है और फिर उसके बाद वो अपने उस पावर और पैसे का और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खुद को और ज़्यादा ग्रैंडाइज करने में, खुद को और ज़्यादा वेल्थ और पावर को बढ़ाने में, ना कि जो बाकी के क्लासेस हैं उनको उनकी लाइफ को बेटर बनाने में. ठीक है, तो यानी कि जो वेल्थ और पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ कुछ लोगों के बीच में रह जाता है और उसका वो इस्तेमाल भी करते हैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए. ठीक है, एंड रिलेटिव फ्यू हु इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन, और ये वो लोग होते हैं जो फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन से जो है विक्टोरियस होते हैं. तो पीपल हु देन यूज देयर पावर एंड मनी टू री इन्फोर्स देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, और फिर वो सारे लोग जिनको फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन का फ़ायदा मिला जब उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो उन्होंने अपने वेल्थ और पावर का किस लिए इस्तेमाल किया, अपने जो है डोमिनेंस को और ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया. ठीक है, नाउ बिकॉज रिच पीपल मे चूज वेयर टू लिव इन हाउ एंड देयर चॉइसेस लिमिट द ऑप्शंस ऑफ द पुअर, और इस वजह से क्योंकि उनके पास वेल्थ है, उनके पास पावर है, तो डेफिनेटली वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या कैसे रहना है, कहाँ रहना है, और ये सारे डिसीजंस लेने के बाद में जो है जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस नहीं रह जाते. ठीक है, दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस बिकॉज जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारे के सारे उस पर रिच पीपल का, उन लोगों का अधिकार हो जाता है. तो इस तरीके से जो है एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है जिसे एक क्लास डिवीजन कहते हैं सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम आज की भी बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म है, जैसे कि रशिया है, चाइना है, ठीक है, वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी वो फॉलो करते हैं, USA है, इंग्लैंड है, ये लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, अफ्रीका भी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका, ठीक है. तो अगर इन सब कंट्रीज को हम कंट्रास्ट में देखते हैं बट उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है दैट ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव द कंट्रोल ओवर द 98% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 98% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% के जो लोग हैं दुनिया के जो सबसे अमीर हैं वो उनको इन्जॉय करते हैं, और बाकी के जो 98% की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 2% के रिसोर्सेज से काम चलाती है. ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ऑल्दो कार्ल मार्क्स को ये लगा था कि अगर सोशलिज्म आ जाएगा या फिर सोशलिज्म क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द ओनर क्लास, तो सोशलिज्म धीरे धीरे करके हर एक कंट्री में व्याप्त होता चला जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था कि धीरे धीरे USA में, इंग्लैंड में, रशिया में भी हो जाएगा. हालांकि रशिया में और चाइना में जो उनका सोचना था वो सही साबित हुआ, रशिया में और चाइना में दोनों में जो कम्युनिज्म है वो एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो रिसोर्सेज को लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इतना इनइक्विटेबल है वो आज भी मेंटेन है. ठीक है,
और इसकी वजह भी यही है कि बिकॉज जो वेल्दी हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो वाकई में उन सारे रिसोर्सेज का उसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी पावर और अपनी वेल्थ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें. ठीक है. नाउ एज अ रिजल्ट टर्म्स लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मे बी मीनिंगफुल फॉर द कैपिटलिस्ट बट नॉट द वर्किंग पीपल. तो अब जब वेल्थ और पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन में है और उसका वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के लिए ही मीनिंगफुल रह जाएगी. ठीक है, तो जितने जो कैपिटलिस्ट लोग हैं सिर्फ उनके ही लिए ये एक मीनिंगफुल रह जाएगा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज इन रियलिटी अगर देखा जाए कि जो वर्किंग क्लास है, अगर वर्किंग क्लास को अपनी मेहनत का पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको रिसोर्सेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक स्लोगन है. ठीक है, वो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते. नाउ एज अ सोशलिस्ट सी इट ट्रू फ्रीडम एंड ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर सोशल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी इन एनी सोसाइटी. इसलिए जो सोशलिस्ट होता है, तो जो सोशलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स थे, तो जो सोशलिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ट्रू फ्रीडम एंड ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर्स ए सोशल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज. कि अगर आपको अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में ट्रू फ्रीडम और ट्रू इक्वालिटी को अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सोशल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी इन एनी सोसाइटी, जो एक बेसिस प्रोवाइड करता है आपको सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी का. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट अगर जहाँ तक रहेगा, जब तक आपका जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर है, तो उसमें जो एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम फॉर ऑल है, इक्वलिटी का जो नोशन है, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ मच डिस्टिंक्शन, देयर इज अ मच डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू क्लासेस ऑफ पीपल. लेकिन इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में वाकई में एक फ्रीडम जो है वो सबके लिए हो, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो, तो उसके लिए एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या फिर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ताकि जो भी कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के अंडर में आए, और जब वो एक सोशल कंट्रोल होगा उन रिसोर्सेज का, तो ही जो है एक बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, नो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिश एंजल्स सेड दैट इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द कंडीशन फॉर फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल. तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिश एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर ही सोशलिस्ट थ्योरी दी थी. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिश एंजल्स का ये कहना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी में द कंडीशन फॉर फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल. कि अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी में, तो जो कंडीशन है आपका फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच जो है वो आपका फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल है. यानी कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो एक फ्री डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हर एक का होना चाहिए और सभी का होना चाहिए. ठीक है, तो सोशलिस्ट सोसाइटी जो आपकी फ्रेडरिश एंजल्स और कार्ल मार्क्स जिस चीज़ को प्रपोज करते हैं वो क्या है, वो ये है दैट देर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन, देर शुड बी इक्वलिटी एवरीवेयर, देर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंग्स, एंड देर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी सो दैट पीपल कैन मेक realize their potential and their talents. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि हम एक ऐसी सोसाइटी को नहीं बना सकते हैं जहाँ पे कुछ लोग अपने टैलेंट्स को, अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं और रिसोर्सेज को इन्जॉय कर सकते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर में हो या फिर इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जानते हैं कि इसको कैसे प्रोड्यूस करना है. और अगर उन्हीं के पास में वो ताकत, वो रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, अगर वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके की सोसाइटी का सही बेस का कोई फायदा नहीं. ठीक है, नाउ द फंडामेंटल कन्विक्शन मेड सोशलिस्ट डिसएग्री ऑन टू पॉइंट्स, द एक्सटेंट एंड द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट सोसाइटी शुड ओन और कंट्रोल, एंड द सेकेंड द वे इन विच सोसाइटी इज टू एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ऑन द प्रॉपर्टी एंड अदर रिसोर्सेज. अब ये था कि सोशलिज्म के जो भी प्रोपोनेंट्स थे, जो भी थिंकर्स थे, उनका ये तो मानना था कि हाँ ठीक है, कि सोशलिज्म में क्या होना चाहिए, एक सोशल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए, कि जो सोसाइटी है या फिर गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द जो सोसाइटी है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और फिर उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि कितने एक्सटेंट तक, ठीक है,
और कितनी प्रॉपर्टी को जो सोसाइटी है उसको वो सोशल कंट्रोल के अंदर रख सकती है, कि कितने एक्सटेंट तक, कि अप टू व्हाट एक्सटेंट सोसाइटी शुड होल्ड द कंट्रोल ओवर ऑल द रिसोर्सेज. ये एक पहला पॉइंट था जहाँ पे वो लोगों के बीच में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था. और दूसरा था कि इन सोसाइटी इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन रिसोर्सेज, और किस तरीके से जो है वो अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ऑन द प्रॉपर्टी एंड अदर रिसोर्सेज. ये पहले तो ये था कि कितने एक्सटेंट तक एक सोसाइटी को रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपना कंट्रोल करना है, और अगर कंट्रोल करना है देन व्हाट इज द वे ऑफ एक्सरसाइजिंग दैट कंट्रोल. ठीक है, कि किस तरीके से आप उस कंट्रोल के ऊपर जो है आप कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स थे इस पे कहीं कहीं पे लोगों के वेरिएशंस थे. ठीक है, कि दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्सेज के ऊपर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक सोसाइटल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन कितने एक्सटेंट तक आप ये कंट्रोल करना चाहेंगे और आप किस तरीके से अपने इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करना चाहेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसमें हर एक थ्योरिस्ट के जो है थोड़े से अलग अलग वेरिएशंस थे, अलग अलग अपने अपने नोशंस थे. ठीक है, नाउ द मार्क्सिज्म सोशलिज्म, कि एग्जैक्टली मार्क्सिज्म सोशलिज्म क्या कहता है. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट ऑफ द सोशलिज्म. कि अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं, जो वर्ड है आपका कम्युनिज्म सोशलिज्म, ये भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया था. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट थे आपके सोशलिज्म के. ठीक है, ही एंड हिज फ्रेंड फ्रेडरिच एंजल्स गेव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म और द कम्युनिज्म. और उनके जो फ्रेंड थे वो और उनके फ्रेंड फ्रेडरिच एंजल्स, उन दोनों ने ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म की ये थ्योरी मिलकर के बनाई थी. ठीक है, नाउ द पाथ ऑफ द सोशलिज्म प्रोसीड्स नॉट थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडल कम्युनिटीज दैट सेट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द हारमोनियस कोऑपरेशन टू द वर्ल्ड, बट थ्रू द क्लैश ऑफ द सोशल क्लासेस. कि जो आपका सोशलिज्म का जो ये पाथ है, द पाथ ऑफ द सोशलिज्म, इट प्रोसीड्स नॉट थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडल कम्युनिटीज दैट सेट द एग्जाम्पल्स ऑफ हारमोनियस कोऑपरेशन टू द वर्ल्ड, बट थ्रू द क्लैश ऑफ द सोशल क्लासेस. तो कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिच एंजल्स का ये कहना था कि अगर हम एक मॉडल कम्युनिटीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करें हारमोनियस कोऑपरेशन का दुनिया में, वो आपका बहुत ही एक स्मूथ वे से, एक स्मूथ पाथ से आपका नहीं हो पाएगा. उसके लिए दे हैव टू गो थ्रू द क्लैश ऑफ द सोशल क्लासेस. यानी कि अगर आपको ऐसा एक सोसाइटल ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर आप चाहते हैं कि हारमोनियस कोऑपरेशन रहे, इस तरीके की मॉडर्न कम्युनिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हो जहाँ पे एक हारमोनियस कोऑपरेशन रहे, तो वो आपका एक हारमोनियस वे में नहीं हो पाएगा. मतलब जो पाथ है आपका, जिस रास्ते से चल के आपको ये ऑब्जेक्टिव एम जो है उसे अचीव करना है, इट हैज़ टू गो थ्रू अ क्लैश ऑफ द सोशल क्लासेस. यानी कि जो सोशल क्लासेस हैं उनके क्लैशेस के थ्रू ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम उन चीज़ों को इस्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो जो इस्टैब्लिशमेंट होगा, ये जो हम इस्टैब्लिश करना चाहते हैं इस तरीके की मॉडल कम्युनिटीज़ का, जहाँ पे सब कुछ, जहाँ पे जो सोसाइटी है, दे शुड टेक द सोशल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, एवरी प्रोडक्ट इज अ सोशल प्रोडक्ट एंड एवरी पर्सन हैज़ द इक्वल क्लेम ऑफ ओवर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, अगर हम इस तरीके की कम्युनिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, इस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दे हैव टू गो थ्रू अ क्लैश ऑफ द सोशल क्लासेस. कि जब तक क्लैश नहीं होगा सोशल क्लासेस के बीच में, तब तक हम इस तरीके की मॉडल कम्युनिटीज़ को सेटअप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नाउ द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल. और जिस तरीके से कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हिस्ट्री है आपका जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी का, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल. कि जब भी हम अपनी हिस्ट्री को पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम देखते हैं जितने भी स्ट्रगल्स हुए थे उसमें, तो वो जितने भी स्ट्रगल्स थे वो एक्चुअली एक तरीके से क्लास स्ट्रगल ही थे. ठीक है, कि जो दो मेजर क्लासेस थे हमारी सोसाइटी के, दे हैड स्ट्रगल इन बिटवीन देम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रगल दैट हिस्ट्री इज एविडेंट ऑल अबाउट इट. कि जो हिस्ट्री है आपकी, इट इज़ फुल ऑफ सच इंसिडेंट्स जहाँ पे ये जो स्ट्रगल्स हुए थे, दे वर द रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल. ठीक है, नाउ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री शोज दैट दीज स्ट्रगल्स विल कल्मिनेट इन द ट्रायंफ ऑफ द वर्किंग क्लास एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिज्म. और जो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की जो होती है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने पहले हिस्ट्री को पढ़ा, एंड एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि हिस्ट्री में जितने भी हमारे स्ट्रगल्स हुए हैं वो एक्चुअली में हमारे क्लास स्ट्रगल थे. ठीक है, कि एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ स्ट्रगल हुआ था,
वही है, यही हमारी हिस्ट्री में. और फिर उन्होंने जब अपनी हिस्ट्री की जो है एक साइंटिफिक स्टडी की, ठीक है, तो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को जब वो हिस्ट्री में लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रगल थे वो तभी जो है जीत में कल्मिनेट कर सकते हैं. दे विल कल्मिनेट इन ट्रायंफ का मतलब है कि वो जीत में आपके कन्वर्ट होंगे जब वर्किंग क्लास और आपका जो है जो वर्किंग क्लास जो है वो उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देगा, और तभी जाकर के सोशलिज्म का एस्टैब्लिशमेंट होगा. ठीक है, या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री शोज दैट दीज स्ट्रगल्स विल कल्मिनेट इन द ट्रायंफ ऑफ द वर्किंग क्लास. कि अगर ये जो स्ट्रगल्स होते हैं तो ये स्ट्रगल आपके बेसिकली रिजल्ट करेंगे इन द ट्रायंफ इन द विक्ट्री ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म. कि सोशलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो अगर आपके जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अगर लेते हैं हिस्ट्री की, तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की ये कहती है कि पहली बात तो ये कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, जब भी स्ट्रगल हुआ इट वॉज द स्ट्रगल ऑफ द क्लासेस. और अगर अब ये स्ट्रगल होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रगल आपका होगा इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो हमारे प्रोलेटेरिएट्स हैं, ठीक है, वो जीतेंगे ओवर द बर्जुआस. ठीक है, और उसके बाद ही जो आपका सोशलिज्म है वो सेटअप होगा, वो एस्टैब्लिश होगा. ठीक है, नाउ द मार्क्स अंडरस्टूड द हिस्ट्री एज द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन लेबर एंड स्ट्रगल. तो मार्क्स ने जो है वो हिस्ट्री को एज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन लेबर और स्ट्रगल की तरह पे उसको स्टडी किया था, उसको पढ़ा था. एंड फॉर मार्क्स हिस्ट्री वॉज द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस ओवर मटेरियल और द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज. और मार्क्स के हिसाब से जो हिस्ट्री था वो आपका एक स्ट्रगल का स्टोरी है. किसके बीच में? इट इज़ द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस. जो इतने भी हमारे क्लासेस हैं, रूलिंग क्लासेस हैं और जो रूल्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो लोग रूल कर रहे हैं और जो लोग रूल हो रहे हैं, ये जो दो क्लासेस हैं इनके बीच में जो हमारा स्ट्रगल है ये ही है हमारा हिस्ट्री में. और ये जो हमारे स्ट्रगल होते थे दे वर द स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस, और ये होते थे ओवर मटेरियल और द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द रिसोर्सेज. की या तो मटेरियल के ऊपर, या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर रिसोर्सेज के ऊपर, इन दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होते थे. ठीक है, तो क्लैशेस दोनों क्लासेस के बीच में होते थे एज पर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री. जैसे कि मार्क्स ने हिस्ट्री को समझा, सो मार्क्स ने हिस्ट्री को इस स्टोरी से समझा कि जब भी स्ट्रगल होता था इट वॉज अ स्ट्रगल, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन लेबर एंड द स्ट्रगल. कि ह्यूमन लेबर को अपना उतना जो कहते हैं आउटपुट नहीं मिल पाता था जितना लेबर वो अपना इनपुट में करता था. ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितनी मेहनत एक लेबर ने की, जितनी मेहनत एक वर्कर ने डाली, उसके एवज में उसको उतना जो है बेनिफिट या फिर उतना रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलता था. जितना रिवॉर्ड जो है वो एक्सपेक्ट करता था उतना रिवॉर्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से एक क्लास स्ट्रगल होता था. तो ये जो क्लास स्ट्रगल्स होते थे उनका जो बेसिक रीज़न होता था वो होते थे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बीच में ही क्लास स्ट्रगल्स होते थे. और फिर मार्क्स ने ये भी कहा था कि अब अगर ये क्लास स्ट्रगल्स होते हैं तो उनकी वजह से जो जीतने की चांसेस हैं वो हमारे रूलिंग क्लास के, जो हमारे जो क्लास रूल हो रही है, जो वर्किंग क्लास है, उसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, और उसके बाद ही सोशलिज्म जो है वो एस्टैब्लिश होगा. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मार्क्स डेवलप्ड एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री. तो इस तरीके से मार्क्स ने जो है हिस्ट्री को पढ़ा, फिर हिस्ट्री के एक साइंटिफिक एनालिसिस की. साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अब तक हिस्ट्री में जितने भी क्लैशेस हुए हैं, हिस्ट्री में जितने भी स्ट्रगल हुए हैं, वो किनके बीच के स्ट्रगल थे? वो स्ट्रगल थे इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में. ठीक है, इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ द क्लासेस. और इस और जो ये स्ट्रगल होते थे ओवर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द रिसोर्सेज. के इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रिसोर्सेज की वजह से ही ये जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कहें क्लास क्लैशेस होते थे. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की. एंड हेंस मार्क्स डेवलप्ड अ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री. और इसी तरीके से मार्क्स ने जो है हिस्ट्री की एक इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप की. ठीक है, कि हिस्ट्री में स्ट्रगल तो होते थे, एवरीबडी न्यू दैट, लेकिन स्ट्रगल क्यों होते थे? स्ट्रगल की जो वजह थी वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था, कि क्योंकि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, उनका जो पूरा प्रॉफिट है, जो उनका पूरा फल है, वो वर्किंग क्लास को नहीं मिल पाता था. और उसी वर्किंग क्लास की वजह से ही कई बार ऐसा होता था कि अपराइजिंग्स होती थी, रिवोल्ट्स होते थे, स्ट्रगल्स होते थे. तो ये जो बेसिक रिवोल्ट्स होते थे वो क्लासेस के दो क्लासेस के बीच में होते थे. ठीक है, तो इस वजह से जो है एक मार्क्स ने एक इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो हिस्ट्री की दी. ठीक है, एंड ऑल्सो कार्ल मार्क्स ने जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की थी कि इंडिया में जो हमारा कास्ट डिविजन्स है, ठीक है, तो उस कास्ट डिविजन्स को भी कार्ल मार्क्स ने जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, विच वॉज वेरी करेक्ट. ठीक है, बिकॉज हमारे वैदिक टाइम पे जब सोसाइटी में वो जो डिविजन था, वो जो क्लासेस को डिफाइन किया गया था,
अलग अलग वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें हर एक का जो एक रोल था टुवर्ड्स द सोसाइटी वो पूरा का पूरा डिफाइन था। वहाँ पे ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण्स का था कि हाँ ठीक है आपको स्टडी करना है और आपके बाकी के जो मासेस हैं उनको टीच करना है, प्लस आपका जो है एक पॉलिटिकल जो एडवाइस है वो देने का काम होगा। सेकंड क्षत्रिय आते थे जिनको लड़ाई, मतलब जो दे हैव टू वेज वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट वॉर। थर्ड आते थे आपके वैश्य जिनको बिजनेस करना था या एग्रीकल्चर करना था। देन शूद्र थे जो उनको सोसाइटी का साफ सफाई का काम करना होता था। ठीक है, तो ये जो फोर क्लासेस थे, फोर डिवीजन ऑफ क्लासेस थे इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन द एंशिएंट इंडिया, इट वाज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। वो भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ही थे, जिसको कार्ल मार्क्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया था कि इवन इन द एंशिएंट इंडिया देयर वाज द इकोनॉमिक डिवीजन। ठीक है, तो वो जो डिवीजन था वर्ण का वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं था, वो हमारे किस तरीके से हमको अलग अलग ऑक्यूपेशन करनी है कौन सी क्लास में उस हिसाब से था। एंड इफ अ पर्सन इज फॉलोइंग दैट नॉर्म्स तो सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट रहेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बैलेंस टू द सोसाइटी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जॉब एंड ऑक्यूपेशन टू एवरीवन, तो ये एक इकोनॉमिक डिवीजन किया गया था इन द एंशिएंट इंडिया, जिसको कार्ल मार्क्स ने भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देन ऑल्सो इसी तरीके से इन्होंने हिस्ट्री को पूरा का पूरा डिफाइन किया था, और हिस्ट्री को उन्होंने जब डिफाइन किया तो उसकी एक इकोनॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, नाउ फ्रीडम फॉर द मार्क्स वाज ओवरकमिंग नेसेसिटी व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग व्हाट दे नीड। और मार्क्स के लिए अगर फ्रीडम की बात करें कि व्हाट इज फ्रीडम एक्चुअली, तो फॉर मार्क्स जो है फ्रीडम का मतलब था कि ओवरकमिंग द नेसेसिटी व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग व्हाट दे नीड, कि जब आप अपनी नेसेसिटी से ओवरकम हो जाते हो। ठीक है, कि बेसिकली जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, तो बेसिकली उनके पास अगर हम कहें कि अगर हम जाके उनसे पूछें कि आपकी क्या कोई हॉबी है या फिर आप अपने टैलेंट में क्या करना चाहते हो, तो 90% ऑफ द पीपल वुड से दैट दे डू नॉट हैव एनी हॉबी, मे बी उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को होन कर सके। और इसका रीज़न ये है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब इन अ डे मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिजी रहते हैं अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, दो वक्त का खाना है या फिर रहना है या बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनको जोड़ने के लिए में ही उनका सारा का सारा समय चला जाता है, सारी मेहनत चली जाती है। ठीक है, तो फ्रीडम जो बेसिकली है वो क्या है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली फ्रीडम इज नथिंग बट ओवरकमिंग दैट नेसेसिटी, कि ये जो आपकी नेसेसिटी है जिसकी वजह से आप प्रोड्यूस कर रहे हो जो आपको चाहिए, अगर आप इस नेसेसिटी से ओवरकम कर जाते हो तो वही फ्रीडम है। ठीक है, नाउ नेसेसिटी कंपेल्स पीपल टू लेबर सो दैट दे मे सर्वाइव एंड दोज हु आर फ्री फ्रॉम दिस कैन डेवलप देयर टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। तो नेसेसिटी लोगों को कंपेल करती है काम करने के लिए सो दैट वो सर्वाइव कर सके, और जो लोग इस चीज़ से फ्री हैं, जैसे कि जो ओनर क्लास है, ठीक है, जो बर्जुआज हैं, जब वो फ्री हैं इस चीज़ से तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डेवलप देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल, वो अपने टैलेंट और अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वॉट थ्रू आउट द हिस्ट्री फ्रीडम हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। और कार्ल मार्क्स ने इसी चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि अगर हम थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें तो जो ये इस तरह की जो फ्रीडम है जिसमें आदमी को सिर्फ अपनी नेसेसिटी को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बिजी है, वो अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को जो इस्तेमाल कर सकता है, ये जो फ्रीडम है अपनी नेसेसिटी से ऊपर उठ करके, ये सिर्फ और सिर्फ जो रेस्ट्रिक्टेड रहे रूलिंग क्लास के मेम्बर्स के लिए। ठीक है, जिन्होंने अपने जो हु यूज द कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ द पुअर एंड सबसर्वेंट। ठीक है, जिन्होंने अपने जो लैंड है और अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है उसका इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ लेबर और पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। नाउ द मास्टर्स इन द स्लेव होल्डिंग सोसाइटीज, और ये जो मास्टर्स थे स्लेव होल्डिंग सोसाइटीज के, द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेटीज एंड द बर्जुआज हु कंट्रोल द वेल्थ। तो बेसिकली बर्जुआज कौन थे आपके, बर्जुआज फॉर द पीपल जो कि लैंड ओनर्स थे, जो कि वेल्दी लोग थे एंड हु वर द ओनर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो कंट्रोल करते थे पूरी वेल्थ को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो सारे दे हैव ऑल एंजॉयड द वेरियस डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो उन सब ने जो है सभी जो एक वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको एंजॉय किया हुआ था, बट दे हैव डन सो एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेकिन उन्होंने किसके एक्सपेंस पे किया था, दे हैव डन इट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के एक्सपेंस पे, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनके एक्सपेंस पे इन लोगों ने अपनी फ्रीडम को एंजॉय किया था, क्योंकि वो दिन भर काम करते रहते थे, वो अपनी नेसेसिटीज़ जो हैं उनमें जूझे रहते थे कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसमें उनको समय नहीं मिल पाता था अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए। और इस वजह से जो रूलिंग क्लास थी जिनके पास वेल्थ था, पावर था, सब कुछ था, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे और उसी के एक्सपेंस पे वो अपने टैलेंट्स और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते थे। ठीक है,
Now, but they have done it on the expense of the industrial workers who have provided the necessary labor. जिन्होंने उन्हें necessary labor provide किया, ठीक है? Now, for Marx, the capitalism is both a progressive force in history and an exploitative system. अब Marx के accordingly जो capitalism था history में, वो दोनों ही चीजें था. वो एक progressive force भी था और एक exploitative system भी था, ठीक है? Progressive force इसलिए था, because उसने जो industrial transformation को सामने लेकर के आए थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था, ठीक है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव था जो आपका कैपिटलिज्म है. लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का भी था. एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का इसलिए था क्योंकि उसने कैपिटलिस्ट और वर्कर्स को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग कर दिया था, ठीक है, एक दो अलग अलग डिविजन ऑफ क्लासेस जो है वो मेंटेन कर दिए थे. बट इट इज़ एक्सप्लॉयटेटिव बिकॉज इट कन्फर्म्स द प्रोलेटेरियंस टू ओन्स नथिंग बट देयर लेबर पावर to lives of grinding labor while enabling the bourgeois to reap the profits. और exploitative इसलिए भी था क्योंकि जो proletarians थे, जो working class थे, उनके पास कुछ भी नहीं था उनके labor power के अलावा, और वो दिन भर सिर्फ और सिर्फ काम करते रहते थे, और जो bourgeois थे वो उनकी मेहनत का फल उठाते थे, उनकी मेहनत के हिसाब से profit को reap करते थे, ठीक है. Now this is a volatile situation according to Marx and will lead to war and will end the class divisions. और ये जो situation एक develop हो चुकी है जहाँ पे जो bourgeois हैं, they are enjoying all the kinds of things in the society, they are enjoying all the vocations of the all the freedom. लेकिन जो ruling class है आपका, वो एकदम deprived है, वो अपनी सिर्फ necessities में, अपने labor में busy है, and they are deprived of so many things, ठीक है. तो इसकी वजह से जो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बिटवीन दीज टू क्लासेस, बिटवीन द वर्किंग क्लासेस एंड द ओनर क्लासेस. और इसके बाद में जब ये एक स्ट्रगल की जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगी, उसके बाद ही ये जो डिविजन्स हैं वो एंड हो पाएंगे, ठीक है. नाउ अंडर द प्रेशर ऑफ द डिप्रेशन, रिसेशन, कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब्स एक्सेट्रा, द वर्कर्स विल बिकम कॉन्शियस दैट दे फॉर्म द क्लास द प्रोलेटेरियट दैट इज ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेटेड बाय द क्लास एनिमी द बर्जुआज. कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा वर्किंग क्लास में, जैसे हम जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये इश्यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, रिसेशन है, कॉम्पिटिशन है, तो इसकी वजह से कई बार काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब को भी खो देते हैं, ठीक है. एज वी ऑल नो कि जो कैपिटलिज्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करता है. अगर किसी की फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उस फर्म को पूरा पूरा बंद कर देते हैं, बिना ये सोचे कि जितने वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका घर कैसे चलेगा या फिर अब उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा, ठीक है. तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटेड फील करेंगे जो प्रोलेटेरियट्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, एंड हेंस दे विल stand in revolt to the bourgeois, ठीक है. Now armed with this awareness, they will overthrow the bourgeois in a series of uprising, seizing control of the factories, mines, railroads. और जब वो इस awareness से आ जाएंगे, ठीक है, जब उनमें ये एक revolt करने की एक awareness आ जाएगी, तो उसके बाद जो एक number of series of uprisings होंगी, जिसके बाद वो factories का control अपने हाथ में ले लेंगे, mines का, railroads का, और जितने भी means of production हैं उस struggle के बाद, उस सब का control वो अपने under में ले लेंगे, until they gain the control of the government and convert into revolutionary dictatorship of the proletariat. और तब तक वो सारे means of productions का जो control है वो अपने under में लेते रहेंगे, जब तक वो जो government का भी जो control है वो अपने under में नहीं ले लेते, और एक dictatorship जो है proletariat की वो establish नहीं हो जाती, ठीक है. Free from the necessity and exploitation, people will finally live in a true community that gives each individual the means of cultivating his gifts in all directions. और जब वो free हो जाएंगे हर तरीके के exploitation से, तब एक equality maintain हो पाएगी society में, जहाँ पे कोई भी class division नहीं होगा, और फिर वो भी जो अपने gifts हैं, जो अपने talents हैं, उसको हर interactions में utilize कर पाएंगे, ठीक है. Now Marx maintained that revolution by which socialism would be achieved what ordained by the logic of capitalism itself. लेकिन Marx ने ये भी maintain किया था कि ये जो revolution होगा, जो कि सोशलिज्म का, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, द रिवोल्यूशन बाय द सोशलिज्म, ये जो कैपिटलिज्म का जो लॉजिक है इसकी वजह से ही हो पाएगा, ठीक है. व्हाई? बिकॉज ये जो आपका कैपिटलिज्म का जो लॉजिक है, उसी ने, उसके एक्सप्लॉयटेशन ने ही आइडिया दिया है सोशलिज्म को क्रॉप अप होने के लिए. क्योंकि कैपिटलिज्म होगा, कैपिटलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा लोगों का, और जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो जाएगा वर्किंग क्लास, तो उसके बाद वो रिवोल्ट करेगा, एक स्ट्रगल होगा दोनों के बीच में, और स्ट्रगल होने के बाद में जब तक जो प्रोलेटेरियट क्लास है वो हर एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, गवर्नमेंट का, हर किसी का कंट्रोल अपने अंडर में नहीं ले लेता, और एक ऐसी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश नहीं कर देता जहाँ पे प्रोलेटेरियट का राज चलता है, और तब जो है जितने भी क्लास डिविजन्स हैं जो कैपिटलिस्ट की वजह से मेंटेन थे सोसाइटी में, वो सब के सब डिमोलिश हो जाएंगे, और उसके बाद आपका जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है. तो ये था आपका सोशलिज्म.